तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर हिंदुओं को दिया उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने बड़ा झटका। कोरोना की वजह बताकर कांवड़ यात्रा पर लगा दी रोक, हिंदुओं में काफी है गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले से बौखलाई मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सपा सांसद आजम खान की एक बार फिर से बिगड़ी तबीयत, दो दिन बाद आजम खान का होगा नखलऊ में ऑपरेशन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा ने दिल्ली में दर्ज कराई FIR, गिरफ्तारी की भाजपा कर रही है प्रदेश में मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी उत्तराखंड में भाजपा को चुनाव हराने के लिए किसानों ने बढ़ाई बनी बड़ी योजना, योगी की बड़ी मुश्किलें, पूरे प्रदेश में मुजफ्फरनगर से होगी जो है आंदोलन की शुरुआत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शिव भक्तों को दिया बड़ा झटका, इस साल कांवड़ यात्रा पर फिर से लगा दी रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने आज शिव भक्तों को बड़ा झटका देते हुए कांवड़ यात्रा पर इस साल कोरोना महामारी को लेकर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इस साल भी कोरोना वायरस की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल आपको बता दें उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कहा है कि COVID-19 के प्रकोप को देखते हुए हम इस साल की कांवड़ यात्रा को भी रद्द करते हैं। लगातार ये दूसरा साल है जब कोरोना महामारी की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। पिछले साल भी कोरोना महामारी की वजह से ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, और वहीं आपको बता दें कि इस साल फिर से कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। भाई आपको बता दें कि साल भर भगवान शिव के भक्त सावन माह में कांवड़ यात्रा का इंतजार करते हैं, और पूरे सावन महीने में कांवड़ उत्तराखंड से ले जाकर अन्य जिलों में अन्य राज्यों में जल चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार फिर से उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या आधिकारिक बयान आता है सरकार का। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू में पाकिस्तान के ड्रोन हमले से डरे प्रधानमंत्री मोदी, मोदी ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में सेना के ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। ड्रोन हमले के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है, और ड्रोन हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार हाई अलर्ट पर आ गई है। और आज इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी बैठक आज शाम 4 बजे बुलाई है, और मामले की जांच NIA को सौंप दी है। टीम जम्मू पहुंच गई है, और एक TV समाचार की रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन का लक्ष्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। शुरुआती जांच में पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ है। वहीं आपको बता दें कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में ये हमले हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बुरी तरह से मोदी सरकार घबरा गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी, दो दिन बाद सपा सांसद आजम खान का होगा ऑपरेशन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे को 9 मई को COVID-19 पॉजिटिव होने के बाद नखलऊ के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोनों की कोविड रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है, लेकिन आजम खान को अभी भी कुछ दिक्कत है और आजम खान की तबीयत ठीक नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब डॉक्टरों ने कहा है कि आजम खान को 2 दिन तक दवाई दी जाएंगी। इसके बाद भी आजम खान को अगर आराम नहीं मिला तो उनकी सर्जरी की जाएगी, इसकी तैयारी भी डॉक्टरों ने शुरू कर दी है। भाई आपको बता दें कि आजम खान के गुर्दे और फेफड़ों में संक्रमण कम हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक आराम नहीं मिल रहा है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी को लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि 2 दिन और इनको दवा दी जाएगी, अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इनकी सर्जरी की जाएगी, यानी आजम खान का ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा नेता और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और मुकदमा दायर कर दिया गया है।
भाई आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों में कच्चे तेलों की कीमतें लगातार कम हो रही हैं कि अब कम कीमतें होने के बावजूद भारत में एक साजिश के तहत मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर दामों को बढ़ा रही है और बढ़े हुए दामों पर बेच रही है, जिससे कि देश की जनता बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि 420 और 295 511 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हो और इन्हें जेल में डाला जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान संगठनों ने यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को चुनाव हराने के लिए बनाई बड़ी योजना, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन बीते 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 6 महीने के बाद यूपी, उत्तराखंड समेत अन्य 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों में किसान यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को हराने के लिए एक योजना बना रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा है कि सितंबर में मुजफ्फरनगर से हम किसान को लेकर एक बड़ी योजना बना रहे हैं और पूरे प्रदेश में हम रैलियां करेंगे और यूपी उत्तराखंड में भाजपा के खिलाफ अन्य पार्टियों के लिए वोट मांगेंगे और लोगों से कहेंगे कि यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को वोट ना दें और यहां भाजपा को बुरी तरह से हराएं, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सितंबर से ही योगी की मुश्किलें बढ़ा देंगे किसान। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में केजरीवाल पर भाजपा ने दर्ज कराई FIR। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी ने राजकीय अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के समय जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर ऑक्सीजन की झूठी कमी का मुद्दा उठाते हुए गंदी राजनीति की, उससे कई बेगुनाहों की जान चली गई। ऐसे में जब तक उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक भाजपा धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगी। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ ऑक्सीजन की मानवता निर्मित कमी दिखाकर कोरोना पीड़ितों की जान लेने को लेकर FIR भाजपा ने दर्ज कराई है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं भाजपा दिल्ली में कह रही कि जब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी, तब तक हम धरना देंगे और आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन दिल्ली में पिछले 7 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर भाजपा के नेता एक दिन भी धरने पर नहीं बैठे और उनकी परेशानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरह से राजनीति भाजपा भी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में दाढ़ी काटने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। ट्विटर इंडिया के MD के गिरफ्तारी पर हाई ने लगा रखी है रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम से मारपीट के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर के प्रबंधक निदेशक मनीष महेश्वरी को संरक्षण देने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि ट्विटर के जरिए प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, इसलिए ट्विटर के MD महेश्वरी पर FIR दर्ज होकर इन्हें जेल में डाला जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार पहुंच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब कांग्रेस में कला को कम करने के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए हुए रवाना, राहुल प्रियंका से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को नई दिल्ली में प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए अपने पटियाला स्थित आवास से रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सिद्धू को अकाल मान ने दोबारा बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया था। उनकी बैठक अकाल मान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समाधान समिति से हुई थी और वे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नहीं मिले थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे दिल्ली में और जो है प्रियंका गांधी भी बैठक में शामिल होंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू में भाजपा कार्य समिति ने की बैठक, कहा जल्द कराएंगे
विधानसभा जम्मू कश्मीर में चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सर्वदलीय बैठक का आयोजन करने के कुछ दिनों बाद भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने सोमवार को यहां अपनी कार्यकारी समिति की बैठक की और एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह भाजपाइयों ने किया है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि बैठक में और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया गया है कि अवैध खनन को खत्म करना सुनिश्चित करें और बालू सहित छोटे खनिजों की कीमत तय करें। इसमें दैनिक मजदूरों, ग्राम रक्षा समितियों, होमगार्ड, विशेष पुलिस अधिकारी और समाज के अन्य तबके की लंबित मांगों को पूरा किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, देखते हैं कि अब होता है कुछ नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को करें लागू, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा आदेश आज जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने का आदेश आज दे दिया है। आज कोर्ट ने राज्य के साथ ही केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये योजना प्रवासी श्रमिकों और अन्य राज्य में उनके काम के स्थान पर भी राशन प्राप्त करने की सहूलियत देता है। दरअसल आपको बता दें कि जब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी तो आप किसी भी राज्य में जाकर कहीं पर भी देश के कोने में अपने हिस्से का फ्री वाला दो रुपए वाला राशन ले सकते हैं। जो राशन आपको गांव में मिलता है, अगर आप गांव में नहीं हैं, कहीं अन्य दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं, तो उस प्रदेश में भी आप बेझिझक उस राशन को वहां पर ले सकते हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करें, जिससे प्रवासी मजदूरों को जो परेशानी आती थी वो खत्म हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।